हाय फ्रेंड्स, मोना की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही अलग तरीके से आप लोगों को आलू फ्राई दिखाऊंगी, जिसमें मूंगफली और अच्छे से सब डाल के और साबूदाना तल के मैं बहुत अच्छा ये नाश्ता होता है। पहले से मैं तल के रख ली हूँ। और दूसरा नंबर पे मैं आप लोगों को पपीते की सब्ज़ी बनाऊँगी, जो कि बहुत टेस्टी बनता है और इसके आगे बहुत अच्छी अच्छी सब्ज़ियाँ फेल हो जाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और तीसरा नंबर पे मैं आप लोगों को लौकी अलग तरीके से बना कर दिखाऊंगी, जो इसका फ्लेवर 4 गुना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको एक एक करके बनाना। सबसे पहले मैं आलू फ्राई करूंगी। आलू फ्राई करने के लिए मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ 2 चम्मच। फिर ये मैं 1/2 किलो आलू है मेरा, जो कि मैं अच्छे से उबाल के इसको मैं अच्छे से तोड़ ली हूँ, कट नहीं की हूँ। तोड़ने से अच्छा बनता है, कट करने से ना उतना टेस्टी नहीं बनता है आलू फ्राई। तो अच्छे से तोड़ लीजिए हाथ से। फिर मेरा ये तेल गरम होने वाला है। अब इसमें मैं 1 चम्मच जीरा डालूँगी। जीरा मेरा गरम होने वाला है, अच्छे से मैंने ब्राउन हो जाएगा। तो इसमें 2 हरी मिर्च 4 टुकड़ा करके डाल रही हूँ। आइए अदरक मैं 1 टुकड़ा घिस ली हूँ, इसको अच्छे से डाल। इस सब का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही टेस्टी खा के। इसको ऐसे भी आप खा सकते हैं, व्रत में भी खा सकते हैं, इसीलिए मैं बिना लहसुन का दिखा रही हूँ, लहसुन प्याज का। और बहुत ही टेस्टी बनता है, गरम गरम बहुत अच्छा लगता है खाने में, पेट भर जाता है, एक नाश्ता हो जाता है चाय के साथ। ये 3 मीडियम साइज़ का टमाटर है, जो कि हमने कट पहले से कट कर ली हूँ, इसको डालूँगी। फिर अच्छे से इसको चलाते रहना है। चलाने के बाद इसमें फिर मैं नमक डालूँगी। मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ, आप इस कोई भी नमक डाल सकते हैं व्रत के लिए, सेंधा नमक ऐसे कोई भी नमक। तो इसको अच्छे से पका देना है कि ताकि एकदम सॉफ्टली पक जाए। फिर इसको ढक के 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकेगा। देखिए पकने लगा। अब इसमें मैं करी पत्ता, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है आलू का, करी पत्ता डाल रही हूँ। इसको अच्छे से भून के फिर इसको ढक दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। फिर देखिए पकने वाला है। अब इसको अच्छे से चला के अब इसमें मैं आलू डाल दूंगी। फिर आलू को अच्छे से चलाना है। तो इसको चला के फिर मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए मैं ढक दूंगी। ऐसे ही करके 2-3 बार करके आलू बनके तैयार हो जाएगा। बहुत ही अमेजिंग टेस्टी लगता है। अगर मेरी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाए और लाइक करें और कमेंट में लिखें कि मेरा रेसिपी कैसा बना है। फिर अच्छे से इसको चला के और फिर निकाल के गर्मा गर्म खाइए। इस पर मूँगफली और साबूदाना तल दीजिए हाई फ्लेम पे और डालिए, मज़ा आता है खाने में, अलग ही स्वाद होता है। ये देखिए आलू फ्राई बन के तैयार है। तो चलिए फिर हम पपीता बनाते हैं। मैं 1 किलो का एक कच्चा पपीता ले ली हूँ। इसको मैं अच्छे से कट कर लूँगी, पहले तो छीलूँगी, छील के इसको पतला पतला कट कर लूँगी। बहुत सिंपल है बनाना, कोई भी बना सकता है और मज़ा तो इतना आता है खाने में कि आप लोग एक बार बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है। एक तो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, हेल्दी भी है, टेस्टी भी बनेगा, तो खाने में तो मज़ा आएगा ही। इसको कोई भी खा सकता है, बहुत सारा फ़ायदा इससे होता है, बहुत सारे इसमें विटामिन्स होते हैं। तो इसको ऐसे छील लेना है, सब छील के फिर इसको हम बारीक कट कर लूँगी। देखिए सब बारीक कट हो गया है। अब मैं कढ़ाई चढ़ा दूँगी। सॉरी, कुकर में बना रही हूँ, कुकर में बहुत सॉफ्टली अच्छा बनता है। मैं 1.5 चम्मच सरसों का तेल डाली हूँ। ये तड़का कॉम्बिनेशन है, ये सब होता है, जैसे कि जीरा है, तेज़पत्ता है, हरा मिर्चा है, लहसुन है और सौंफ है और ये हींग है। इस सब का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है और इसका फ्लेवर बहुत टेस्टी होता है।
सबको डाल देंगे, डाल के अच्छे से इसको हल्का ब्राउन होने दूंगी। इसको ऐसे ऐसे घुमा लेना है। तब इसमें मैं पपीता डाल दूंगी। पपीता को सब हाई फ्लेम पे करना है, सीटी भी हाई फ्लेम पे ही लगाना है। फिर अच्छे से इसको चला लूँगी और इसमें मैं हल्दी डाल दूँगी। एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच नमक स्वाद के अनुसार, जैसा आप बना रहे हैं वैसा नमक। अच्छे से गोल गोल इसको चला लेना है। ये हरी मिर्च, अब इसको मैं 5 से 6 सीटी हाई फ्लेम पे लगा दूंगी। फिर उसके बाद खोल के ये मेरा 5 से 6 सीटी लग गया। देखिए अब इसको निकाल के फिर इसको गैस ऑन करके इसको अच्छे से कलछुल से वो कर देना है, सब मिला देना है। और फिर इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर तक भूजना है ताकि अच्छे से इसका पानी सूख जाए और खाने में मज़ेदार लगे। ऐसे ही करके जब हो जाएगा तो फिर इसको निकालिए, खाइए। पूरी, पराठा, रोटी, चावल सबके साथ मस्त लगता है खाने में। तो चलिए फिर अब हम लौकी बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। बहुत ही सिंपल सब्जी होता है, सब कोई के घर में बनता है। इस तरह की से बनाएंगे तो इसका स्वाद 4 गुना बढ़ जाएगा और बहुत टेस्टी लगेगा। तो मैं गोल वाला लौकी एक ले ली हूँ, इसको अच्छे से छील के मैं अच्छे से कट कर रही हूँ। और इसको भी मैं कुकर में ही बना के आप लोगों को दिखाऊंगी, अलग से लहसुन का तड़का लगाऊंगी, बहुत मस्त बनता है। ये जीरा है, ये सौंफ है, ये हींग है। इस सब का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है लौकी में, मस्त बनता है। मैं इसमें तेल डाल रही हूँ 1 चम्मच। गरम हो जाएगा तो तड़का उसमें डाल दूंगी। ये देखिए अब इसको मैं ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैं लौकी डाल दूंगी। ये मैं थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ। हींग पहले डालने से जल जाता है, हींग थोड़ा बाद में ही डालना चाहिए तो उसका खुशबू भी रहेगा। और ये हरी मिर्च है, हरी मिर्च आप कट करके भी डाल सकते हैं। ये हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच। फिर अच्छे से इसको चला लेना है, चला के इसको ढक्कन लगा के 6 से 7 सीटी हाई फ्लेम पर लगा लीजिए। बहुत सिंपल है बनाना, कोई भी बना सकता है इसको, खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। लौकी अच्छा होता है तो सब्जी इसकी बहुत अच्छी बनती है। देखिए सीटी जल्दी जल्दी लग जाएगा हाई फ्लेम पे। 5 से 6 सीटी लगाइए, उसके बाद ये इसको खोल के इसका पानी अच्छे से जला लिया जाए।
फिर सब्जी अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। हम गैस को बंद, ये सीटी लग जाएगा तो बंद कर दी हूँ। अब देखिए ये अच्छे से इसको कलछुल से मसल लेना है। गैस बंद है, फिर गैस को जला के ही कलछुल से मसलना है। इसमें पानी ज़्यादा है तो हाई फ्लेम पे ही मैं मसल रही हूँ, और जब पानी थोड़ा कम होगा तो मैं इसको स्लो फ्लेम पे कर दूँगी। चलाते रहना है इसको। एकदम सॉफ्ट हो जाता है, लौकी अच्छा रहता है तो लौकी की सब्ज़ी बहुत मस्त बनती है, खाने में मीठा मीठा लगता है। इसका पानी सूखने वाला है, फिर इसको अच्छे से चला के देखिए, थोड़ा सा और जला दूंगी तो सॉफ्ट बन जाएगा, लौकी की सब्जी बनके तैयार। इसका पानी जला दे अच्छे से। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब इसको एक बर्तन में मैं निकाल, इससे भी सुखाया जा सकता है लेकिन ऐसा भी अच्छा लगता है खाने में, इसीलिए मैं ऐसा बना रही हूँ। फिर इसको मैं कच्चे लहसुन से छौंक लगाऊंगी, जो कि बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। थैंक यू सो मच।